हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। 12th के बोर्ड एग्जाम में 101% आपको ये एडजस्टमेंट मिलेगी फाइनल अकाउंट के सम में। अगर आप 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, 12th बीके अकाउंट्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का अगर आपका सब्जेक्ट है, तो इस वीडियो में आपके साथ में जो भी मैं आपके साथ में एडजस्टमेंट शेयर कर रहा हूँ, वो आपके ये वाले सम में क्वेश्चन नंबर 7 का जो फाइनल अकाउंट का सम आता है, एकदम लास्ट वाला ये सम होता है, उसमें ये एडजस्टमेंट आपको 101% मिलेगी। और ये मैं आपको प्रूफ के साथ में बता रहा हूँ, ताकि ये कई सालों से एग्जाम में ये क्वेश्चन और ये एडजस्टमेंट पूछा जा रहा है। पहली बात तो फाइनल अकाउंट का आपका कंपलसरी, मतलब आपको ऑप्शन में रख ही नहीं सकते हो फाइनल अकाउंट, वो आपको 12 मार्क्स का करना ही करना है। कितना मार्क्स का करना है डियर फ्रेंड्स? 12 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है। तो जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा, समझो 12 में से 12 तो पूरे मिलना ही है। लेकिन वो 12 से 12 मिलते कब है? जब आप एक सम को पूरा कंप्लीट करते हो विथ टैली, ठीक है। अब टैली करने के लिए आपको एडजस्टमेंट बहुत प्रॉपर आना चाहिए, और उसके पहले आपको पोस्टिंग आना चाहिए। पोस्टिंग का मेरा एक सेपरेट वीडियो बना है, नहीं देखे तो ज़रूर देखना। उसमें 4 वीडियो हम लोग ने अपलोड किए, कौन से पोस्टिंग, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका सनरी डेटर्स है, तो सनरी डेटर्स को हम लोग को कहाँ लिखना है। पहली बात तो फाइनल अकाउंट क्या होता है उसका भी हम लोग ने एक वीडियो बनाया है, कितने अकाउंट्स बनते हैं वो भी बनाए, अगर नहीं देखे तो देखो। सारी चीज़ें हम लोग की बहुत डिटेल में है, एकदम शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में, मतलब 15 से 10 मिनट का वीडियो है, वो अगर आप देख लो तो डेफिनेटली 12 मार्क्स मिलेगी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट विद प्रूफ के साथ में बताऊंगा आपको। पहला एडजस्टमेंट हमेशा पूछेगा क्लोजिंग स्टॉक, क्या बोल रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट हमेशा आपको आ रहा है। एग्जाम में कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो डिटेल में बनाया। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कवर करने वाले इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, और 200 नहीं, मैं 500% बोल रहा हूँ, हमेशा एग्जाम में यही पूछ रहा है। मैं आप लोग के साथ में क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर रहा हूँ, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2023 का क्वेश्चन पेपर है। उसमें देखो कौन सा एडजस्टमेंट सबसे पहला है, स्टॉक ऑन 31st मार्च, तो इसको हम लोग ना क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। ये हर साल आ रहा है, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया। कौन से एडजस्टमेंट आते हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला तो क्लोजिंग स्टॉक याद रहेगा, ठीक है, मैंने लिख लिया हूँ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट हमेशा कौन सा आ रहा है, देखो आप लोग के सामने की बात है, क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट आ रहा है। सेकेंड आपका देखो, अगर आप फाइनल अकाउंट का सम कर रहे हो, डेप्रिसिएशन एंट्री आनी ही आनी है। कौन सा सर? आप तो ये वही बता रहे जो नॉर्मल है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता है, डेप्रिसिएशन आपको 101% आने लगे। और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट क्या आता है, फर्स्ट इफेक्ट कैसा लिखना है, इसका मेरा एक सेपरेट वीडियो बना है डियर फ्रेंड्स, 6-6 मिनट के, 5-5 मिनट के वीडियो, जरूर देखना। सेकेंड एडजस्टमेंट कौन सा रहेगा 101% आपके एग्जाम में आने वाला, मैं आपको प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि हर साल ये एडजस्टमेंट आया, ठीक है। सेकेंड है तुम्हारा डेप्रिसिएशन, ठीक है। थर्ड होता है आउटस्टैंडिंग। क्या होता है आउटस्टैंडिंग? कभी कभी होता है आएगा, या तो इसकी जगह आ जाएगा प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों साथ में भी आता है, या तो कभी कभी अलग भी आ जाएगा प्रीपेड। प्रीपेड का एक और नाम है एडवांस। क्या नाम है? एडवांस। आउटस्टैंडिंग का एक और नाम है नॉट पेड। क्या है? नॉट पेड, ठीक है। नॉट पेड या आउटस्टैंडिंग आता है एग्जाम में, या प्रीपेड। अब देखते हैं 2023 में कौन सा आया था। आउटस्टैंडिंग दिखा, प्लस करना रहता है, कौन सा आया? आउटस्टैंडिंग आया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको, ये तो अभी 2023 का हुआ, कौन से और भी आते हैं। उसके बाद में कॉमन जो एडजस्टमेंट है, उसके बाद में आता है फोर्थ वन, दैट इज आरडीडी, बैड डेप, एक ही है, ठीक है, आरडीडी बैड डेप। 99% ये भी एडजस्टमेंट आपको मिलेगा। देखो लिखा है प्रोवाइड फर्दर बैड डेप, मिला आपको, मोस्टली क्वेश्चन में आपको मिलने वाला है, जो नॉर्मली हमेशा पूछे जा रहे हैं ना, वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक एडजस्टमेंट और आता है जो इसमें नहीं दिया था क्वेश्चन में, मतलब 2023 में तो नहीं आया, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जैसे कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है, इसके जगह यही वर्ड की जगह आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैज अ फ्री सैंपल। कौन सा सैंपल? फ्री सैंपल।
गुड्स स्टोलन, ठीक है, 1, 2, 3 ये साल नहीं आया, लेकिन मोस्टली चांसेस है ये एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। पहला कौन सा था, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग नॉट पेड का मतलब एक ही होता है, अगर ये एग्जाम में आता तो फिर शायद प्रीपेड नहीं आता, या तो दोनों भी आ जाएगा, प्रीपेड माइनस होता है। कौन सा इफेक्ट कैसे करना है इसका सेपरेट वीडियो, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन सा आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक हर साल आ रहा है, डेप्रिसिएशन आ रहा है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, नॉट पेड, एग्जाम में 90% पूछेगा इसमें से ही, आरडीडी या बैड डेट, फिर से बोलो आरडीडी या बैड डेट, ठीक है। एक और एडजस्टमेंट है वो ये गुड डिस्ट्रीब्यूटर है फ्री सैंपल बाय डिस्ट्रॉयड बाय फायर गुड स्टोलन, ठीक है। अब इसमें जो एक एडिशनल, अब एक और देखो एडजस्टमेंट कौन सी, नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स भी आता है, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स या तो फिर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज, क्या बोल रहा हूं, नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज, ये दोनों को प्लस करना रहता है, और सेकेंड इफेक्ट का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हूं, ठीक है। अब इसमें एक एंट्री, एक एडजस्टमेंट देखो, एक एडजस्टमेंट तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, अब आया था इसमें पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भी मैं लिख लेता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एडजस्टमेंट भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो भी मैं आप लोग के साथ में बताया देखते हैं हर साल वही आ रही क्या। अब ये है अगस्त 2022 का जो पेपर है उसमें देखो क्या है, स्टॉक आ गया, अगेन ये क्या है क्लोजिंग स्टॉक, हमेशा याद रखना है डियर फ्रेंड्स, विच अमाउंट इज लोअर ना क्लोजिंग स्टॉक में वही लेने का, 40,000 35,000 आया आरडीडी, आरडीडी बैड डेप एक ही है, डेप्रिसिएशन मिला मैंने बताया, देखो गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर आ गया एडजस्टमेंट जो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया, और डियर फ्रेंड्स यही एडजस्टमेंट एग्जाम में पूछी जाती है, इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको लो टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, डोंट वरी, ठीक है, टेलीग्राम पे कैसे ऐड होना है मैं बता दूंगा। ये है मार्च 2022 का पेपर, इसमें भी आप चेक कर सकते हो, देखो सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक पूछा, हमेशा कौन सा वैल्यू लेने बोला हूं मैंने, विच एवर इज लोअर, जो लोअर होगा वही लेना क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। उसके बाद में एक और एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन, जो ऑलरेडी मैंने बताया हूं, ये भी ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर किया हूं, रिजर्व फॉर डेटफुल डेप्स का मतलब होता है आरडीडी, क्या होता है आरडीडी, देन आपका आउटस्टैंडिंग, ये भी इंपॉर्टेंट, दो कॉमन एडजस्टमेंट है हर साल पूछी जा रही है, ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, इसमें एक नई एडजस्टमेंट आई है विड्रॉ, कौन से एडजस्टमेंट चाहिए तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ विड्रॉ, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता, कैसे लिखना है विड्रॉन या ड्रॉइंग समझो, ठीक है, इसका सेपरेट मैं दे दूंगा, शेयर कर दूंगा, ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। इंश्योरेंस इस प्रीपेड आ गया, प्रीपेड कितने बार आ रहा है एग्जाम में देखो, मैंने बताया हूं डेप्रिसिएशन आपको हर साल मिल रहा है, बैड डेट मिल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट एज ए फ्री सैंपल अभी आप लोगों के साथ में शेयर किया हूं, ये सितंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के साथ में। क्लोजिंग स्टॉक आगे मार्च 2020, अब 10 साल का भी क्वेश्चन पेपर ले लोगे तो आपको मोस्टली यही सारी चीजें मिलेगी। अब देखो आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ मतलब भी बैड डेट आ गया, डेप्रिसिएशन वही सेम रिपीट हो रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, मोस्टली यही सारी एडजस्टमेंट आपके एग्जाम्स में आती है, एक या जो और भी रहेगी एक्स्ट्रा आप लोग चेक करते हैं, हम लोग अभी और भी क्वेश्चंस देखेंगे, आपको वहां से आइडिया मिल जाएगी। जुलाई 2019 प्रीपेड क्या लिखा हुआ, देखो प्रीपेड कैसे मालूम पड़ेगा, 16 तक का मैंने पे कर दिया हूँ, और ये मुझे अकाउंट कभी तक का बनाने के लिए बोला था मार्च, तो मतलब अप्रैल मई जून के एडवांस की एंट्री है, कौन सी एडजस्टमेंट। अब तो कस्टमर इज नॉट रिकॉर्ड, ये हो गया डेटर्स, कौन सी एंट्री डेटर्स, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मैंने बताया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी बता दिया हूँ, देन ये वाला छोड़ दो अभी इतना हार्ड तुमको एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक अगेन डन, देखो रिपीट होने वाली एंट्री है। मार्च 2019 दो क्वेश्चन, ठीक है, जुलाई का था, अभी देखो डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, बैड डेट, वही सेम एंट्री पूछने वाली है एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन ले लो। एक और क्वेश्चन लेता हूँ आप लोग के साथ में, देन इसके बाद में वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे।
July 2018, dear friends. Stock again distributed as a free sample, outstanding, RDD भी बता दिया और मशीनरी भी बता दिया. यही एडजस्टमेंट आ रही है एग्जाम में घुमा फिरा के. ये पांच एडजस्टमेंट को बहुत अच्छे से करो और ऑलरेडी इसको कैसे करना है का उसका डिटेल वीडियो बनाया हूँ. आप लोग मेरे चैनल पे जाओगे ना आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग सारा एडजस्टमेंट देख लो. 501% बोल सकते हो ये जो इम्पोर्टेंट जो आप लोग के साथ में एडजस्टमेंट शेयर किया फाइनल अकाउंट की वो एडजस्टमेंट तो आने वाली है. तो आपके इस तरह से 12 में से 12 आपको मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस है. अगर आपने मेरे और भी वीडियोस देखे, यहाँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट की बात किया हो, कैसे करना है वो सारी चीज़ें डिस्कस नहीं किया हूँ. अगर आप लोग बोलेंगे और भी वीडियोस लेके आइए सर प्लीज़ अकाउंट के लिए, तो हम आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आइए. छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करो और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना अगर सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो. और ये जो आप लोग के साथ में शेयर किया उसका PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे WhatsApp ग्रुप या टेलीग्राम पर ऐड हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी. थैंक यू सो मच, बाय बाय.